अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट फदर। आप देख रहे हैं फोर्स एमसीक्यूज फाउंडेशन। फोर्स एमसीक्यूज फाउंडेशन की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको पुलिस जॉब्स के बारे में बताऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स जो कि कांस्टेबल लेडी एंड मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कांस्टेबल पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिटेल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, उससे पहले ऐसी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फोर्स एमसीक्यूज फाउंडेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर अपडेट्स आपको मिल सके। सबसे पहले आपको जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट पर लेके जाऊँगा, फिर अप्लाई करने के लिए रिकॉर्ड इसमें आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप के कोई दोस्त हैं जो उसमें अप्लाई कर सकते हैं तो उसके साथ भी शेयर कीजिएगा। चलेंगे वीडियो की डिटेल में। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट। अप्लाई कांस्टेबल जो कि मर्द हजरात के लिए है, और ब्राय कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल के लिए भी यही सभी रिक्वायरमेंट्स हैं। तालीमी काबिलियत मैट्रिक है इसमें, और कद जो है 5'5" है। छाते भी आप देख सकते हैं। कुल जो डोमिसल आपका होना चाहिए, लोकल डोमिसल होना चाहिए, रहायशी बीमा के मुताबिक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उम्र के 18 से 28 है, और आखिरी तारीख इसकी है 28 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं उसमें वैलिडिटी कांस्टेबल के लिए भी तकरीबन सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, और मजीद इसमें जो कद है वो 5'3" है। सिमिलरली आपने अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए दरख्वास्त फॉर्म आपने 150 रुपीज़ के साथ जो कि नाकबले हैं वापसी है, और इसके साथ आपने दो दरख्वास्त फॉर्म के साथ आपने तमाम तालीमी शनाख्त रिकॉर्ड, लोकल डोमिसल और 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्दीक शुदा नज़म मुस्लिक करनी है, और जो नामुकम्मल और मुकर्रर तारीख के बाद वसूल होने वाली दरख्वास्तों को ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। तो आपने दरख्वास्त 7 तारीख से पहले पहले आपने इसको सबमिट करवा देना है। सिमिलरली टेस्ट इंटरव्यू के लिए आने वाले अफराद को कोई टीडी नहीं दी जाएगा, और जो सिमिलरली आप नेक्स्ट मजीद इसकी तफसील भी यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाफिज़, दुआ में याद रखिए।